नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ब्रिटेन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। आज राजभवन में योगी कैबिनेट के साथ रात्रि भोज करेंगे वेंकैया नायडू। योगी कैबिनेट के मंत्रियों का राजभवन पहुंचना शुरू हो चुका है। कल अयोध्या भी जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। दौरे के तीसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन होगा। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी है, हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। कल अयोध्या दौरा है वेंकैया नायडू का, और इससे पहले आज रात्रि भोज का कार्यक्रम, जिसमें योगी कैबिनेट दोनों डिप्टी सीएम समेत आनंदीबेन बेन पटेल भी मौजूद रहने वाली हैं। बड़ी खबर है, हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अविनाश हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से, क्योंकि राजधानी लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और आपके पीछे मैं देख पा रही हूं किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। ये दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो कि राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं चीज आपको दिखाना चाहूंगा। मैं इसमें राजभवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो इसके जो मंत्री हैं जो है एक का एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उससे थोड़ी देर पहले अभी जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे विजय पाठक, और उसके बाद अगर बात करें राजभवन की, तो यहाँ पर एक के बाद एक करके जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। रात्र में यहाँ पर जो उप राष्ट्रपति हैं उनके साथ यहाँ पर उनका भोजन करना है। इसके ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की निगाह किए गए हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजभवन पर यहाँ पर पहुंचेंगे, और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ यहाँ पर उनका रात्रि भोजन है। उनके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि एक के बाद एक यहाँ पर जो मंत्री है उनका आना शुरू हो गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर तैनात है। उसके बाद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल यहाँ से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो है हनुमानगढ़ी पर जाके मतलब वहां पर दर्शन करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से जो है वाराणसी के लिए रवाना होंगे। हालांकि ये 3 दिवसीय उपराष्ट्रपति का यहाँ पर दौरा है। अभी रात्रि भोजन के लिए यहाँ पर राजभवन अभी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर किस तरीके के इंतजाम है अविनाश? देखिए, यातायात की अगर बात करें तो जो पुलिस का डाइवर्जन है वो पूरी तरीके से अलग रूट है। ये राजभवन कहलाता है। पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। उसके लिए ये राजभवन का मार्ग है, और इसको पूरी तरीके से यहाँ पर हालांकि अभी खुला हुआ है, लेकिन जो लखनऊ एयरपोर्ट से जब उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यातायात थोड़ा सा प्रभावित जरूर रहा था, लेकिन अभी पूरी तरीके से सामान्य तौर से यहाँ पर खुला हुआ है। और एक एक करके यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल के नेता हैं वो उनका यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, और इस बीच ट्रैफिक डायवर्जन समेत तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सामाजिक समरसता दिवस का आयोजन हुआ है। इस सामाजिक समरसता दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, एक गरीब परिवार के बालक ने देश का संविधान निर्मित करते हुए आज देशवासियों को एक मार्ग प्रशस्त किया है। संविधान का निर्माण किया मित्रों, उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया, जिसके कारण आज पंथ के अंतिम व्यक्ति को एक सम्मान मिलता है। यदि एक नौजवान जन्म लेकर दुनिया के अंदर शिक्षा प्राप्त करके छात्रवृत्ति का, और एक परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक जो अपने नल से लोग पानी भी नहीं पीने देते थे, वह संघर्ष करते हुए देश का नेतृत्व का क्षमता रखा और पूरे देश को दिशा देने का काम किया, और ऐसा संविधान बनाया जिसके रास्ते पर आज देश चल रहा है। मित्रों, यह प्रीति बालक की बात है।
यूपी विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज पहली बार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ मैनपुरी पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में बलात्कारियों और बैंक लुटेरों पर बुलडोजर आखिरकार कब चलेगा? भाजपा के लोगों को बधाई देता हूं कि कम से कम वो लोग परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने देश में बढ़ रही महंगाई और प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर यूपी सरकार पर जमकर वार किया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुंच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुंच गई, जितना भी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया, नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे, और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। मैंने कोई समीक्षा नहीं की है, अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा, तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया, और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है। न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया, क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा है जहां पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किसमें चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के, उसको लेकर के बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी पहुंची और पार्टी कार्यालय पर आयोजित सामाजिक समरसता दिवस पर समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले सुबह स्मृति ईरानी विमान से बावतपुर एयरपोर्ट पहुंची थी और पार्टी की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। इसके बाद वो शहर के लिए रवाना हुई। रोहनिया स्थित पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने सामाजिक समरसता दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां वर्ग विशेष की राजनीति कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, वो विकास की बात करते हैं जो बाबा साहेब का सपना था। काशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को यहां से सांसद चुना और देश ने सेवक चुना, सेवा का मौका दिया। बाबा साहेब के सपने को हम पूरा कर रहे हैं। देश में सशक्त भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब सरकार के खजाने पर सभी गरीबों का हक हो। बाबा साहब के संदर्भ में एक दो बातें शायद ही प्रचलित व्यवस्थाओं में हम सब सुन पाते। बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे तो उनको हराने वाली कौन सी पार्टी उपस्थित हुई थी बताइए? कांग्रेस पार्टी। लेकिन घटना वहां तक सीमित नहीं है। जिसने बाबा साहब को हराया कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, और आज वो बाबा साहब की पुण्य स्मृति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात कह रहे हैं। उनसे कहिए थोड़ा अपना इतिहास पलट कर देखें और जनता को आज बताएं कि बाबा साहब को हराने का घोर अपराध कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया, और जिसने बाबा साहब को चुनाव में हराया कांग्रेस पार्टी ने जले पर नमक छिड़कने का काम क्यों किया, बाबा साहब के उस प्रतिद्वंदी को फिर पद्म पुरस्कार क्यों दिया? एक तरफ कांग्रेस ने यह पाप किया और दूसरी ओर नरेंद्र भाई पद्म पुरस्कार को लोकतांत्रिक बनाकर अब गरीब से गरीब व्यक्ति जो समाज कल्याण में समर्पित हो उसका सम्मान करते हुए उसको पद्म पुरस्कार दिलाते हैं। अगर पद्म पुरस्कार को किसी ने लोकतांत्रिक ढांचे में ढाला तो उस प्रधान सेवक का नाम नरेंद्र मोदी है।
श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन में काशी में पांच वक्त हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से शाम को 6:18 पर अजान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि काशी में पहले काशीवासियों की सुबह मंदिर में बज रहे सुप्रभात और हनुमान चालीसा के पाठ से होती थी, लेकिन अब काशीवासियों की सुबह मस्जिदों से बजने वाले अजान से हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हम काशी में रह रहे हैं या फिर काबा में। इसलिए काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन ने यह फैसला किया है कि रोज 5 वक्त काशीवासियों को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया जाएगा। भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों ना वैदिक मंत्र पूजे और क्यों ना हनुमान चालीसा का पाठ। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटे लाए बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो, क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे आवारा पशुओं के विचरण पर भी चिंता जताते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या से शहरवासियों को निजात मिलेगी। इस मौके पर जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी और विधायक मौजूद रहे। जानकारी देते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा आवारा गौवंश और गौशालाओं के लिए भूसा एकत्रित किया जा रहा है और 2 सालों के पुनर्स्थापना की जा रही है। सभी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। आज माननीय विधायक बिलाग प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य और विभागीय अधिकारी आज अम्बेडकर जयंती का डीएम और SSP नहीं थे। आज हमने भूसा बैंक बनाने की बात करी है। 15 अप्रैल से 5 मई तक अभियान चलाकर भूसा इकट्ठा किया जाएगा और जहां गौशालाएं बनी हैं उन गौशाला में आवश्यक संसाधन भूसा, हरा चारा, पानी का प्रबंध और चारे का प्रबंध, बाकी प्रकाश का प्रबंध, ये सारा प्रबंध किया जाएगा। मैंने विधायकों से ये अपील की मैंने कि उन्हें सहयोग करके, क्योंकि समाज के सहयोग से ही ये समस्या सरकार के द्वारा निराकरण नहीं की जा सकती। बिजली विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अमेठी क्षेत्र के कई स्थानों पर बिजली के टूटे लटके तारों में दौड़ता करंट जानलेवा बना हुआ है। इसे हर दिन करंट की चपेट में आने से लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। शिकायत करने के बावजूद भी बिजली के तारों को सही करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी तारों को सही करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के बधाड़ी ताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाड़ी ताल पर्यटन और बैसाखी मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बधाड़ी ताल में बरसीर बढ़ानी मोटर मार्ग का डामरीकरण, बधाड़ी ताल में पर्यटन आवास निर्माण और ताल का सौंदर्यीकरण समेत कई घोषणाएं की। इस दौरान सीएम धामी ने यह भी कहा कि रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल कहीं और शिफ्ट नहीं होगा। नहीं, ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा, साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग बरसीर बदारी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉटमिक्स भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने VIP घाट पर गंगा पूजन किया, साथ ही दक्ष मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए आरोपों को लेकर कहा कि उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। उत्तराखंड विधानसभा में वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, इसलिए नेता उन पर जुबानी हमला नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। एक बात बताओ, जब मैं मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे, किसे पूछेंगे सवाल। तो स्वाभाविक है,
पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती। सर सबके लिए दुश्मन आप ही तो क्यों बने, हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय दे देंगे। सर आप बाकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इतनी एक अप्रत्याशित हार हुई है उसके बाद थोड़ी बातें चर्चा में आती हैं। तो इस बीच नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर है, हम जानकारी नैनीताल से आपको दे रहे हैं। पूर्व विधायक संजीव आर्य पर अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया है। बड़ी खबर है, हम जानकारी नैनीताल से, हमले में संजीव आर्य के बाएं हाथ में चोटें आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अम्बेडकर जयंती के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमला हुआ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है हमलावर। पूर्व विधायक संजीव आर्य पर अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। संजीव आर्य बाल बाल बच्चे हैं लेकिन कुछ हद तक चोटिल भी हुए हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है हमलावर। तो संजीव आर्य पर हमला हुआ है, चाकू से हमला किया है जिस व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने, कहा जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ है।